सो हाई गाइज एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, कई बार कमेंट सेक्शन में कई बार लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जो हुंडई i20 है इसकी की के बारे में बता दिया जाए कि की के क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो बेसिकली ये 2019 का वेरिएंट है, अभी करंटली यही वाला मॉडल आ रहा है और ये टॉप एंड मॉडल है सबसे, एज ऑप्शनल मॉडल है पेट्रोल में ये। तो ऐसी कुछ की आती है इसकी, तो की के फीचर्स में से पूछे गए थे तो मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि की के बेसिकली क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं। तो कुछ इस तरीके से है इसकी की, आप देख सकते हैं की में सिंपल आपको आगे तीन बटन्स मिलेंगे, ये लॉक, ये अनलॉक, और इसको आप दबा के रखेंगे तो दूर से बूट ओपन हो जाएगा। अभी ये बटन इसलिए चल रहे क्योंकि मैं कार में इग्निशन ऑन है, इसलिए ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है चाबी में कहीं नहीं। और तो जो फिज़िकल की निकालनी है उसके लिए ऐसे बटन प्रेस कीजिए और इसको निकाल लीजिए, तो देखिए इस तरीके से इसकी फिज़िकल की आ जाएगी। अब ये फिज़िकल की का मतलब तो कुछ है नहीं, आप ऐसे पूछेंगे कि इस फिज़िकल की का काम ही नहीं है, जबकि क्योंकि पुश बटन स्टार्ट है तो की के लिए तो कुछ स्लॉट है ही नहीं इसमें। तो ये जो की होती है इसलिए होती है कि मान लीजिए कि बाहर बारिश आ रही है और आपको निकलना है, या ऐसा कुछ है, मान लो आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे भीग जाएंगे, आप भीग सकते हो ये वो, तो आपको क्या कर सकते हो, आप ऐसे की इसकी निकाल के रख लीजिए। अब आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको छोड़ जाए और इस की से आप अपना ड्राइवर साइड का डोर आप लॉक करके जा सकते हैं, तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और ये क्योंकि मेटालिक की है तो इसका तो कुछ ख़राब होना है नहीं, तो यही फ़ायदा है इसका, और इसको आप इसी तरीके से वापस डाल सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसके कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं कि कार में जगह जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि डिक्की पे है, मतलब बूट पे है, और ड्राइवर साइड पे है, तो कार अपने आप डिटेक्ट कर लेती है कि की उसके पास आई है या नहीं, तो वो अपने आप ही अनलॉक हो जाती है। कार स्टार्ट करने के लिए आपको की कार के अंदर होनी की आवश्यकता होती है, गाड़ी के अंदर ही की होनी चाहिए तभी आपकी कार स्टार्ट होगी, नहीं तो अगर कार के बाहर भी होगी तो भी गाड़ी इग्निशन पे भी नहीं आएगी। तो अभी बाहर चलता हूँ, आपको बता देता हूँ इसके और एक दो फीचर्स। तो एक सेकेंडली एक वेलकम फीचर और आता है इसकी में, अब देखिएगा कि कार अभी वैसे लॉक पड़ी है, तो जैसे मैं कीज़ के पास लेके जाऊँगा तो आप देखना ओआरवीएम्स खुल गए, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कार लॉक्ड है, कार खुली नहीं है। तो ये बेसिकली एक वेलकम फंक्शन है, और अगर की पास हो गई तो आप ये बटन दबा के ही आप कार को अनलॉक कर सकते हैं, बटन दबा के कार को लॉक कर सकते हैं। इस केस में साइलेंटली होती है, नहीं तो शोर नहीं आता, जैसे आप लॉक करोगे फिर ORVMs भी अपने आप लॉक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो एक है इसकी से रिलेटेड वो बूट के लिए, अभी जैसे कि बूट लॉक्ड है कार का, तो अगर मैं बूट के पास आऊँगा तो बूट ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि की पास में है, और बूट को बटन दबाते ही बूट अपने आप खुल जाएगा, जबकि कार अभी भी लॉक्ड है। तो यही थे कुछ फीचर्स, इसके अलावा तो कुछ इतने फीचर्स हैं नहीं, बस यही थोड़े बहुत फीचर्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर रिमोट अंदर छोड़ना है तो फिज़िकल की निकाल के आप इस की होल में डाल के कार को लॉक कर सकते हैं, तो रिमोट आपका अंदर रह जाएगा और कार अनलॉक नहीं होगी। तो बस यही सिंपल सा एक वीडियो था, जैसे पूछा गया था कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं, तो यही कुछ फ़ीचर्स हैं। एक इसमें फ़ीचर एक और आता है कि मान लो कभी सेल ख़त्म हो जाता है कार को कैसे स्टार्ट करोगे, ये बेसिकली मैं किसी अलग वीडियो में कवर कर दूंगा फ्यूचर में। तो बस यही वीडियो था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लीव अ कमेंट रिगार्डिंग एनी फ्यूचर अपग्रेड्स और थिंग्स ऑन विच आई शुड मेक अ वीडियो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, बाय।